यहाँ मिनिमम चार्ज है रूम का एक दिन का 2500। तो गाइस आप देख सकते हो या ऑनलाइन ऊपर से कूपन लगाने के बाद 2500 पड़ा है ऊपर नीचे के रूम का, नॉर्मल रूम का। अगर आप डिलक्स रूम ऐसे रूम बुक कराते हो तो मिनिमम 3500 या 4000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। इसका लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए ये होटल हमेशा फुल रहता है। नीलाद्री होटल का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, लाइट हाउस के पास है और इसके जस्ट सामने बीच है, और इसके जस्ट सामने वाले बीच को गोल्डन बीच बोलते हैं। आप देख सकते हो लॉन है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। स्विमिंग पूल भी है, बट स्विमिंग पूल का कोई यूज़ नहीं करता, ऐसे ही बस है, क्योंकि सामने जब बीच है तो कौन ही स्विमिंग पूल में नहाएगा, सब लोग बीच पर ही जाते हैं। अपन सी व्यू वाला रूम बुक किए हैं, अपन यात्रा से ऑनलाइन ही पहले ही बुक कर चुके थे, तो रूम ओके ओके है, कोई खास नहीं है। ऊपर का रूम ज़्यादा अच्छा है एज अ कंपेयर नीचे के रूम से। ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है। रूम के मामले में मैं इसको 3 रेटिंग दूंगी, और मेरे को हाइजीन भी नहीं लगा, ज़्यादा साफ सफाई नहीं है यहाँ पर, बट ऊपर का रूम ज़्यादा अच्छा है एज अ कंपेयर नीचे के रूम। ओवरऑल देखा जाए तो नीलाद्री होटल अच्छा है, क्योंकि इसका लोकेशन अच्छा है और इसके जस्ट सामने गोल्डन बीच है, और ये बीच सारे बीचों में से सबसे अच्छा बीच है, तो ये बेस्ट लोकेशन पर है इसलिए अच्छा है। और इसका खाना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाइजीन है। और रूम के बारे में मैं बोलूँ तो नीचे का रूम जो ग्राउंड फ्लोर का रूम है वो उतना अच्छा नहीं है, बट इसके ऊपर वाले रूम जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का रूम बहुत ही अच्छा है। तो ऑनलाइन में हम लोग बुक कराए थे, पता नहीं चला, तो आप ऊपर का रूम लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है।